हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बनाने वाले हैं एंटी एजिंग ग्लो सीरम। जैसा कि नाम से ही पता है, एंटी एजिंग है और ग्लो स्किन के लिए है, तो आपकी फाइन लाइंस को भी रिमूव करेगा और स्किन में एक ग्लो भी लाएगा। और ये हमने बनाया है एक वेजिटेबल से, जो है बीट रूट, यानी कि चकुंदर। बीट रूट आप जानते हैं कि अगर खाई जाए तो ये बहुत हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर इसका सीरम बना के स्किन पर लगाया जाए तो ये वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को सॉफ्ट रखता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है। पोर्स नहीं होंगे, अनक्लॉग रहेंगे तो फिर स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। स्किन को मॉइस्ट रखता है। ये बीट रूट से हमने बनाया, साथ में लिया एलोवेरा जेल, ये मार्केट वाला है। साथ में हमने लिया है रोज़ वाटर। दो चीज़ और लेंगे जो मैं बाद में आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो मैं बीट रूट की बात कर रही थी। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि एंटी एजिंग एजेंट का काम करती हैं, फाइन लाइंस को रोकती हैं, रिमूव करती हैं, लाइट करती हैं, यानी कि फाइन लाइंस दिखेंगी नहीं, डेड स्किन को रिमूव करती हैं, स्किन के जो सेल नए बनते हैं रीबिल्ड करने में उन्हें बहुत मदद करती हैं। तो हम इसी बीट रूट से, जिसके इतने गुण हैं, ये सीरम हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले दो स्लाइस काट, छील लिया हमने उसको, दो स्लाइस काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम उनको करीब आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए रोज़ वाटर में भिगो के रख देंगे, ताकि इसके जितने सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस रोज़ वाटर में आ जाएं और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, और वो क्या है कि हमने बीट रूट के दो स्लाइस को अपने चेहरे पर लगाना है 5 मिनट के लिए। पतले पतले स्लाइस लेके आप इस तरीके से उसको राउंड राउंड मसाज देते हुए आप ऐसे घुमाते रहेंगे और 5 मिनट तक इसको लगाएंगे। ऐसा करने से ये एक क्लींजर का काम करेगा, और स्किन के ऊपर अगर कोई डस्ट है या इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको हटाने का काम करेगा। इससे हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम नेचुरली दूर हो सकती हैं, अगर हम इस तरीके से इसको चेहरे पर लगाते हैं और उसके बाद में इस सीरम को यूज़ करते हैं तो। ये पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, छाइयाँ जिसको हो जाती है उसके लिए भी अच्छा है। तो देखिए, जब आप लगा रहे होते हैं तो ये हल्का सा खुश्क होने लगता है, उस टाइम इसके ऊपर 2 बूंद या तो गुलाब जल, रोज़ वाटर डाल लें, या नाइफ से इसको ऐसे गोंद के दोबारा से लगा लें। आपने 5 मिनट तक लगाना है और उसके बाद इसको आधे घंटे तक एज इट इज़ सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद सादे पानी से चेहरा धोना है। ये अपने दिन में आप किसी भी टाइम आप कर सकते हो। अब देखिए, हमारा जो रोज़ वाटर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, उसका कलर कितना सुंदर आया है। अब हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ मिला देंगे। इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, जिसके बारे में सब जानते हैं ये स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, तो इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मिलाया है 1/4 टीस्पून हमने मिलाया है इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल स्किन के को मॉइस्ट रखने के साथ साथ उसके मॉइस्चर को लूज़ नहीं होने देता है, उसको लॉक करके रखता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी की स्किन ज़्यादा ऑयली है तो कैस्टर ऑयल की कुछ बूंद डाल लें, नहीं तो 1/4 टीस्पून डाल लें। और साथ में डाला है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, 2 से 3 बूंद ये डाला है, 2-3 ड्रॉप्स डाली हैं इसकी। एक तो इसका खुशबू बहुत अच्छी होती है, दूसरा क्योंकि मैं ये नाइट सीरम बना रही हूँ, तो जब लेवेंडर ऑयल से बना हुआ सीरम आप रात को चेहरे पर लगाएंगे तो इससे नींद बहुत अच्छी आएगी, इससे स्किन और बॉडी रिलैक्स होगी, और नींद अच्छी आने के कारण वो भी आपको फ़ायदा एक मिलेगा कि नींद अच्छी आ रही है तो बहुत फ़ायदे मिलते हैं। अब देखिए, मेन चीज़ है कि इसको मिलाना कैसे है। ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। कई लोग कहते हैं कि हमारा तो बहुत पतला हो गया, कैसे मिला, कैसे हमारा ठीक से बना नहीं। वो इसीलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो ठीक से मिलता नहीं है। इसमें मिलाने में टाइम लगता है, कोई भी इसमें अलग अलग बूंद या दाने नहीं दिखने चाहिए, एक क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी आनी चाहिए, तब ये बन के तैयार होता है। जब आप इसको रात को सोते टाइम लगाएंगे तो इसके एक और फ़ायदा ये होगा कि स्किन के ऊपर किसी भी इम्प्योरिटी का इफ़ेक्ट अगर है तो उसको एब्जॉर्व करके बाहर निकालेगा, और जब आप चेहरा सुबह धोएंगे तो सारी इम्प्योरिटीज़ भी जो है वो बाहर आएंगी। अब ये बनके तैयार हो गया,
लगाने में बहुत आसान है। ये देखिए बड़े आसानी से ये फैलता है। लगाने के बाद 2-3 मिनट के लिए आप सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। बाकी जो बच गया उसको आप बना के फ्रिज में रख दें। ये 1 हफ्ते से 10 दिन तक आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज में रखने से ये ठंडा रहेगा और जब चेहरे पर लगाएंगे तो वो इसका सूदिंग इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है, बाहर रखेंगे तो उतना सूदिंग नहीं होता, फ्रिज में ज़्यादा अच्छा होता है। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा ये स्किन के ऊपर इफ़ेक्टिव होता है, उससे ज़्यादा ये स्किन में फ़ायदा करता है। स्किन को सॉफ्ट रखेगा, रिंकल फ्री रखेगा, स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है। तो आपको और क्या चाहिए, स्किन का ग्लो हो गया, रिंकल दूर हो गई, कोलेजन बढ़ गया, इलास्टिसिटी बढ़ गई, तो स्किन अपने आप अच्छी हो गई, चेहरा खूबसूरत बनेगा और लगाने में बहुत आसान, बनाने में बहुत आसान, कोई खर्चा नहीं आएगा। एक बीट रूट आपको लाना है, रोज़ वाटर घर में कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले बताया था, अब बना सकते हैं आराम से। एसेंशियल ऑयल नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं और आप इस तरीके से इसे बनाइए, इसको लगाइए और विद इन अ वीक आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो मेरे साथ शेयर करें। मेरे साथ बने रहें, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।